रविशंकर प्रसाद जी। मैं कृतज्ञ हूं कि आपने इस ऐतिहासिक बिल पर अपने विचार रखने का मुझे अवसर दिया है। मैं अपनी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगा कि भारत की क्रिमिनल न्याय प्रक्रिया में आज का दिन मील का पत्थर है। जब हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पर चर्चा और पारित करने वाले हैं, ये भारतीय न्याय संहिता इंडियन पेनल कोड के स्थान पर आ रही है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के स्थान पर आ रही है और भारतीय साक्ष्य विधेयक इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर आ रही है। माननीय सभापति जी, इस पूरे प्रस्तावित कानून का कुछ दर्शन है। इंडियन पेनल कोड में पेनाल्टी पर इंफेसिस था, आपको दंडित करना है। भारतीय न्याय संहिता में न्याय पर इंफेसिस है कि हमें लोगों को न्याय देना है। ये बहुत बड़ी सोच का अंतर है जिसे हमें समझना जरूरी है। दूसरी बात, जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें क्या था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक प्रोसीजर प्रस्तावित करता था कैसे लोगों को पेनाल्टी देना है, अपील करना है। उसकी जगह पर जो कानून आ रहा है वो सुरक्षा संहिता कि कोई अपराधी हो भी तो उसकी प्रक्रिया में उसकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, ये बात भी कही गई है। और साक्ष्य अधिनियम के बारे में तो बातें है ही हैं कि कैसे सबूत हो, उनको कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे उस पर कार्रवाई हो। माननीय सभापति जी, आज मैं आपकी कृपा पूर्वक अनुमति से सदन के सामने इंडियन पेनल कोड 1860 का थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि देना जरूरी है। अगर आप इन तीनों कानून को देखेंगे तो 1860 में इंडियन पेनल कोड आया माननीय सभापति जी, एविडेंस एक्ट 1872 में आया और सीआरपीसी 1882 में आया। उसके पहले एक छोटा कानून था। माननीय सभापति, आपको याद होगा 1857 में भारत की आजादी का पहला आंदोलन हुआ था जिसमें भारत के महान क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर के लोगों को बहुत ठगाया। उसमें रानी लक्ष्मीबाई थी बहादुर, हमारे बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे, तात्या टोपे थे, हम सभी का नाम जानते हैं। उसके बाद कंपनी बहादुर का राज खत्म हुआ और विक्टोरिया महारानी का राज शुरू हुआ, मतलब अंग्रेजों ने भारत के साम्राज्य को सीधा अपने कंट्रोल में लिया। यह बात जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब भारत को शासन करना है तो मैं अंग्रेजों की एक बात की तारीफ करूंगा, कोई भी काम करेंगे, अन्याय की पराकाष्ठा भी करेंगे तो कानून का दिखावा देके करेंगे। जितना मैं उनके बारे में पढ़ता हूं, हमारे आजादी के आंदोलन में माननीय सभापति एक कच्ची फांसी हुआ करती थी। बाद हो रहा है ये जी, कितने साल बाद परिवर्तन हो रहा है कानून, ये तो 75 इयर्स के बाद, 151 साल के बाद। और आजादी के बाद 75 इयर्स के बाद, तो माननीय उपसभापति जी कच्ची फांसी, तुमने कहा कच्ची फांसी क्या हुआ, तो मालूम कोई कैप्टन स्कॉट घूम रहे हैं और कोई क्रांतिकारी को पकड़ा और पेड़ पर लटका दिया, आई कैप्टन स्कॉट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर सो एंड सो हेयर बाय गिव यू कैपिटल पनिशमेंट, टांग दो। तो आपको आज भी अगर आप देश में घूमे माननीय उपसभापति जी, सभापति जी क्षमा करें, तो आपको ऐसे बहुत से पेड़ दिखाई पड़ेंगे पुराने जहां क्रांतिकारियों को कच्ची फांसी दी गई थी। तो जो भी करना वो कानून के दायरे में करना। तो मूल रूप से दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है।